अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है टेस्टीज। इससे पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब पढ़ा था कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। आज हम लोग टेस्टीज की एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो टेस्टीज होती हैं इनको हम लोग मेल गुनेड का नाम भी देते हैं क्योंकि ये मेल्स के गुनेड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर मेल का जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, जो मेल गैमेट्स होंगे उनकी प्रोडक्शन होती है, और टेस्टीज का ही काम होता है कि जो मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप करने के लिए हॉर्मोन्स हैं जिन्हें हम लोग सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज करना। तो टेस्टिस को हम लोग मेल गुनेड का नाम भी देते हैं, और इसके दो काम है। नंबर वन, स्पर्म प्रोडक्शन, और नंबर टू, सेक्स हार्मोन, ठीक है जी। इसके दो काम है, स्पर्म को बनाना और सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। अब जब हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्पर्म टेस्टिस होती हैं वो मेल में आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होती है, ठीक है जी, इन अ मस्कुलर बैग कॉल्ड सक्रूटम। तो अगर हम लोग इस व्यू से देखें, ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह, तो हमें ये कुछ इस तरह नजर आता है। ठीक है जी, लेटरल व्यू से हम लोग अगर देखते हैं तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है जी, और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमें टेस्टीज नजर आती हैं। किस फॉर्म में? कुछ राउंड मास ऑफ, ठीक है जी, ये राउंड मास होता है, और ये रहा जी एपिडिडमस। इस तरह हमें लेटरल व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो टेस्टिस क्या होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी उसके अंदर मौजूद होती है, और जिस एरिया से ये गुजर कर, ठीक है, बेबी के अंदर डेवलपमेंट के बाद स्पर्म जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिन कैविटी में बनती है। लेकिन ज्यादातर मैमल्स में क्या होती है, ये डिसेंड होकर डाउन आ जाती हैं, और जो अंडे देने वाले या एग लेइंग मैमल होते हैं उनके अंदर ये एब्डोमिनल में ही रहती है। तो मैमल्स में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, इसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी से आफ्टर मैच्योरेशन जब हो रही होती है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो ये डिसेंड होके एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी को ये जो बैक कवर करता है इसे हम लोग कहते हैं सेक्रूटम, ठीक है जी। इस बैक का नाम क्या जी? इसे हम लोग कहते हैं सेक्रूटम, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं फ्रंटल व्यू, ठीक है जी, लेटरल नहीं बल्कि फ्रंटल व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेसिकली कुछ इस तरह होगा। ठीक है, फ्रंटल व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो टेस्टिस क्या है? बेसिकली बैग होता है जिसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस ये हैंग कर रही होती हैं, ठीक है, दोनों टांगों के दरमियान। और जैसा कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, एक थोड़ी सी ऊपर होती है, दूसरी नीचे की तरफ। नॉर्मली जो लेफ्ट साइड की होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ मौजूद होती है टेस्टिस, और जो राइट साइड की है ये कहां पे मौजूद होती है जी? ठीक है जी, तो फ्रंट व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह का एक बैग होता है जिसमें दो टेस्टिस मौजूद होती हैं, लेफ्ट साइड की थोड़ा सा नीचे होती है और राइट साइड की थोड़ा सा ऊपर। अब ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है जी, ये क्यों होता है? क्योंकि अगर कंप्रेशन, एक्सटर्नल कंप्रेशन, बाहर से कंप्रेशन आता है तो दोनों टेस्टिस आपस में टकराने से बच जाए, और काफी हद तक जो कंप्रेशन या उसका इफेक्ट था उसे कैंसल आउट किया जाए। क्योंकि जब कंप्रेशन अप्लाई किया जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, उतने इससे कंप्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद अगर कंप्रेशन अभी भी अप्लाई है तो ये टकराएंगी जिससे फील होता है, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर बैग होता है, ठीक है जी, ये जो बैग है जिसे हम लोग सेक्रूटम कह रहे होते हैं, बेसिकली ये जिस मसल्स का बनता है उस मसल को हम लोग कहते हैं डार्क टॉस मसल, ठीक है जी। ये जो बैग है सेक्रूटम, ये जिस मसल का बनता है हम उसे किस नाम से पढ़ते हैं? डार्क टॉस मसल, उसे हम लोग कहते हैं डार्ट ऑफ मसल, ठीक है जी। और ये मसल एक और मसल जिसे हम क्रिमेस्ट्रिक मसल कहते हैं उसके साथ मिलके क्या कर रहा होता है? ये करता है रिंकलिंग,
ठीक है जी। सर्दियों में या जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेस्टिस सुकड़ती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर रिंकल से आ जाते हैं, झुर्री ठीक है जी पैदा होना शुरू हो, झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। वो जो झुर्रियाँ पैदा होती हैं वो दो मसल्स की वजह से हो रही होती हैं, एक होता है क्रीमेस्ट्रिक मसल जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एक डार्टोर मसल जो कि जिससे ये सक्रूटम या जो एक्सटर्नली हमें बैग या वो थैली सी नज़र आती है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होती हैं। अब अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं तो लेटरल व्यू हम लोग लेके चलेंगे, फ्रंटल व्यू की हम लोग बात नहीं करेंगे। लेटरल व्यू के लिए ऐसे हम लोग देखेंगे कि जो टेस्टिस है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस तरह की। और यहां पे एक और बात हम लोग बताते चले, ये जो टेस्टिस होती है ये दोनों फ्रीली मूवेबल नहीं होती, बल्कि दो टेस्टिस के दरमियान एक दीवार मौजूद होती है, ठीक है जी। दो टेस्टिस के दरमियान की होती है एक दीवार मौजूद होती है, इस दीवार को हम लोग कहते हैं सेक्रूटल सेप्टम, ठीक है जी। इस दीवार को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, सेक्रूटल सेप्टम, ठीक है। सेप्टम जैसे हम लोग पहले हमें पता है वॉल बिटवीन टू सब्सटेंसेस, बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है जी। दो चीजों के दरमियान जो दीवार होती है उसे हम लोग सेप्टम कह रहे होते हैं, क्योंकि ये सेक्स जो सैक है जिसे हम सक्रूटम कहते हैं उसमें दो टेस्टिस के दरमियान है, इसलिए इसे कहते हैं सक्रूटल सेप्टम, ये जिस दोनों टेस्टिस को सेपरेट रखती हैं। अब हम लोग चलते हैं इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो हम लोग इसी व्यू को लेके चलने लगे हैं। ये हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि सेक्रूटल सैक या सेक्रूटम है, ठीक है जी। इसके अंदर ये हमारी क्या जी टेस्टिस हैं। अब ये जो ब्लैक कलर की आपको राउंड सा शेप नजर आ रही है, बेसिकली जो टेस्टिस होती हैं इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, जो कि आपको ये नजर भी आ रही है। इस कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीना, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है हम इसे किस नाम से पढ़ते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीना। और ये एल्बोजीना से मुराद व्हाइट सब्सटेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो टेस्टिस व्हाइट कलर की हमें नजर आती है उसकी वजह इसके ऊपर ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ट्यूनिका एल्बोजीना, इस वजह से होती है। और जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है और हम लोग ये चेक करना चाहते हो कि बेबी का जेंडर क्या है, तो जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो बेसिकली यही चेक किया जाता है कि ट्यूनिका अगर टेस्टिस हैं जाहिर सी बात है तो उनके ऊपर ट्यूनिका एल्बोजीना होगी, जिसकी वजह से व्हाइटिश टू बॉल या दो सफेद रंग की बॉल्स हमें बिटवीन टू लेग्स नजर आएंगी। तो अगर ये नजर आती है तो हम कहते हैं कि ये मेल है। अगर ये व्हाइट सब्सटेंस या ये जो ट्यूनिका एल्बोजीना मौजूद नहीं होती, इसका मतलब है टेस्टिस नहीं है, अल्ट्रासाउंड में सफेद कलर की दो बॉल्स नजर नहीं आएंगी, इसका मतलब है कि फीमेल की डेवलपमेंट हो रही है, वो जो बेबी है वो फीमेल होगा। तो ये जो ट्यूनिका एल्बोजीना होती है, ठीक है, ये टेस्टिस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि अंदर की तरफ सेप्टम बना रही होती है, ठीक है, जो क्या करती है अंदर की तरफ सेप्टम बना रही होती है। ठीक है जी, ये ट्यूनिका एल्बोजीना क्या करती है अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है, जिस तरह हमने अभी देखा था फ्रंटल व्यू में सेप्टम था उसे हम लोग सेक्रूटल सेप्टम कहते थे, क्यों, क्योंकि वो सेक्रूटम में मौजूद होता है। ये दीवारें जो सेप्टम है टेस्टिस में मौजूद होती हैं, लिहाजा इनको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम, ठीक है जी। इनका नाम हम लोग क्या देते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम कहा जाता है। अब इन सेप्टम की वजह से टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं जी, लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट बन जाते हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, काफी फाइन ट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। इन कंपार्टमेंट में क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है जी। इन ट्यूब्यूल्स को जो कि ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, जहां पे, ठीक है जी, सेमिनिफेरस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब एक कंपार्टमेंट में मिनिमम टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और मैक्सिमम हो सकती हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आगे
एक सिंगल सब्सटेंस में या एक सिंगल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। ठीक है जी, ये जो सिंगल कनेक्शन होता है ये यहां पे ट्यूब्यूल्स के कलेक्शन में आके ओपन होता है। ठीक है जी, इस कनेक्शन क्या होता है, एक ट्यूब्यूल्स के कनेक्शन में आ रहा होता है। ये जो ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन है जो क्या करता है जी, सेमिनिफेरस से जो स्पर्म की प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजोआ होता है उसे रिसीव कर रहा होता है। इस कलेक्शन को, इस ट्यूब्यूल्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये जो पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी इसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, दीज आर कॉल्ड रेटी टेस्टिस। ठीक है जी, अब ये जो रेटी टेस्टिस होती है ये आगे एक ट्यूब्यूलर सब्सटेंस के जरिए एपिडिडमस से जाके जुड़ती है। ठीक है जी, ये आगे क्या होती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर से आगे जाके किसके साथ जुड़ रही होती है, एपिडिडमस से, ये जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा ये ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करती है और आगे एपिडिडमस या एपिडिडमस में भेज देती है जहां पे वो मैच्योरेशन होती है। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं वास एफरेंशिया। ठीक है जी, वास डिफरेंस या डिफरेंशिया नहीं, वो ये वाली ट्यूब्यूल होगी जो आगे जाकर डायमीटर में होती है, वो ट्यूब्यूलर सब्सटेंस जो रेटी टेस्टिस से एपिडिडमस में स्पर्म या फ्यूचर स्पर्म को भेजता है उस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को आप लोग वास एफरेंशिया या डक्टस एफरेंशिया भी कहते हैं। ठीक है जी, वास एफरेंशिया या डक्टस एफरेंशिया, तो ये वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं या स्पर्म की जो टेस्टिस होती है उसकी एनाटॉमी में मौजूद होते हैं। अब फिजियोलॉजिकली हम लोग बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर जिसने स्पर्म टेस्टिस को कवर किया होता है, क्योंकि ये काफी फ्रेजाइल सेंसिटिव होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर फ्रैक्शन या एब्रेशन चोट से डैमेज हो सकता है, तो कुदरत ने उसे मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी कुछ एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर बनाई होती हैं जो इस काम को कर रही होती हैं। अब देखते हैं जी वो लेयर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर नहीं, इंटीरियर साइड के ऊपर एपिडिडमस के स्टार्ट से। ठीक है जी, इसके बाहर वाली तरफ एपिडिडमस के स्टार्ट से। ठीक है जी, इसे मैं जरा बेहतर देखने के लिए इस तरह कर लेते हैं। ये एक लेयर मौजूद होती है। ठीक है, बेसिकली डबल मेम्ब्रेनल लेयर होती है जो इंटीरियर साइड से इसकी कवरिंग कर रही होती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है जी, इस लेयर को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, जिस तरह आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है, तो कंबाइन आप इसे ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, जबकि बाहर वाली मेम्ब्रेन को पैराइटल वेजाइनलिस और इनर लेयर को विसिरल वेजाइनलिस कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान कैविटी होती है जिसे आपको लाइन की फॉर्म में, ठीक है, आपको मुख्तलिफ लाइनें नजर आ रही होंगी, ये जो कैविटी होती है इसे हम लोग कहते हैं वेजाइनलिस सिलोम। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम लोग सीमर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है जी, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या जी, ये इंटर इंटीरियर साइड के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी वो एरिया या वो लेयर जो इन पूरे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कवर करती है। ठीक है जी, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन ही कवर करती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर लेयर आती है बल्कि लेयर से पहले यहां पे हम लोग एक मसल की बात करते हैं, क्योंकि ये
स्क्रूटम के अंदर सस्पेंडेड है, तो हो सकता है कि मूवमेंट के दौरान ये आगे पीछे स्क्रूटल की दीवार के साथ टच कर सके, ठीक है। तो इस काम से एब्रेशन होगा, जिससे बचने के लिए, फ्रिक्शन से बचने के लिए, और इन्हें तकरीबन अपनी पोजीशन पे, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ होती है, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए टेस्टिस स्क्रूटल सैक्स के साथ एक फिब्रल बैंड के जरिए अटैच होती है। टेस्टिस क्या होती है? स्क्रूटल सैक के साथ एक फिब्रल बैंड के जरिए अटैच होती है। इस फिब्रल बैंड को हम लोग कहते हैं गुबर्नाकुलम मसल। ठीक है जी, इस फिब्रल बैंड को हम किस नाम से पढ़ते हैं? गुबर्नाकुलम। ये मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होते हैं। इसका काम होता है मूवमेंट को लिमिट टू लिमिट करना, जितनी महदूद कम से कम हो सकता है, टेस्टिस को फ्रीली मूव करने से रोकना है, ताकि टेस्टिस हैंगिंग अराउंड तो हो लेकिन टकराने से बच जाए। अब जो लेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले आती है एक लेयर ठीक है जी, सबसे पहले क्या होती है, एक लेयर मौजूद होती है जो आपको यहां पे डॉटेड लाइन से नजर आ रही होगी, ये जो डॉटेड लाइन में आपको लेयर नजर आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है जी, इसका नाम क्या जी? इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इस इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के ऊपर एक और लेयर होती है, ठीक है, इस इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के ऊपर एक और लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्रीमेस्टिक फेशिया। ठीक है जी, इसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं? क्रीमेस्टिक फेशिया। इस क्रीमेस्टिक फेशिया के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली ये मस्कुलर होती है, मसल्स होते हैं। इस मस्कुलर लेयर को हम लोग कहते हैं क्रीमेस्टिक मसल। ठीक है जी, इसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं? क्रीमेस्टिक मसल। और एट द एंड इस क्रीमेस्टिक मसल के ऊपर भी एक लेयर मौजूद होती है, ठीक है जी, इस क्रीमेस्टिक मसल्स के ऊपर भी एक लेयर मौजूद होती है। और ये जो रेड कलर की लेयर अब हम आखिरी हमने बनाई है, ठीक है, ये जिसमें थोड़े से बोल्ड सर्कल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी, ये सिर्फ सर्कल मेम्ब्रेन्स को डिफरेंट करने के लिए, ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स को डिफरेंट करने के लिए। तो ये जो आउटर लेयर होती है, इसका आखिरी नाम होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है जी, टेस्टिस के सबसे ऊपर जो लेयर थी उसे हमने पढ़ा था इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, देन उसके बाद क्रीमेस्टिक फेशिया, फिर क्रीमेस्टिक मसल, और देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इन सब को कंबाइन हम लोग एक नाम देते हैं, डीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आती कहां से है? तो ये वाला एरिया जो था केनाल, इसे इंग्विल केनाल कहते हैं, वहां से, ठीक है जी, इंग्विनल केनाल, यहां से दो किस्म की कॉर्ड आ रही होती है, एक तो हमने अभी देख ली जिसे कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, और दूसरी को हम लोग कहते हैं इलियो इंग्विनल नर्व, ठीक है जी। और ये वो कॉर्ड्स होती है जिसके जरिए गुनेडल आर्टरीज, कैपिलरीज आती, ठीक है जी, ब्लड न्यूट्रिशन की सप्लाई वगैरह हो रही थी। अब यहां पे जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये जो टेस्ट सक्रूटम थी, इसके मसल को हम लोग कहते हैं डार्टोस मसल। जब टेम्परेचर 34 से कम होता है, यानी कि ठंड होने लगती है, ठीक है, सर्दी महसूस होती है, विंटर है, सर्दी है, कूल एनवायरमेंट है, तो ये क्रीमेस्टिक मसल
और डार्टोस मसल ये क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस की जो सक्रूटल है टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है क्रिमेस्टिक मसल से, और ये जो सक्रूटल सैक है ये ऊपर को उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक अच्छी जो टेस्टिस लूजली ढीली फॉर्म में थी वो कंट्रैक्ट होकर साइज उसका छोटा हो जाता है और उसके ऊपर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों मसल्स क्या करते हैं जी, मिलके जो टेस्टिस होती हैं उसकी टेम्परेचर को या थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एक टेस्टिस की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी होती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा सेक्रूटल सैक्स क्या होता है, सेप्टम की बात की, एक टेस्टिस नीचे और दूसरी ऊपर की होती है, और उसके बाद हमने टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट, क्यूनिका एल्बोजाइना, ठीक है जी, सेमिनेफ्रस ट्रिब्यूल, रेटी टेस्टिस, देन उसके बाद एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, डक्टस एफरेंशिया पढ़ा, फिर हमने प्रोटेक्टिव लेयर पढ़ी, जिसमें सबसे पहले आती है ट्यूनिका एल्बोजाइना, जिसकी दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली